फॉल टू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य ने चाहे कि इसका बड़ा लंबा प्रश्न है, चार पांच भागों में पूछा गया, तो मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ। जिला नू में 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2023 तक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पकड़े गए बिजली चोरी के मामले इस प्रकार है। नू में 2739, मैं जरा बता दूं इसमें सारा। हाँ जी, नहीं ये इसने 6 भागों में पूछा, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाए। नहीं अगर नहीं अगर जो चाहेंगे, अगर जो प्रश्न करता है वो सेटिस्फाइड है या कोई प्रश्न और पूछना चाहते हैं, जो आप लिख के दिया है वो लिख के दे दिया। आप जवाब दो सर, दे रहे थे आप। नहीं, लिख करके जो दिया है वो सफिशियंट है। अगर आप सप्लीमेंट्री कोई पूछना चाहते हैं तो मेरे क्वेश्चन है सर, क्या है कि जो सरकार ने सर्कुलर दिया हुआ है निगम ने 2017 का, उसमें जो रूलर में है उसका 16 घंटे का चार्ज होना चाहिए और जो सर अर्बन में है उसका 24 घंटे का चार्ज होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जलालपुर फीडर है, उसी पे तो गांव उमरा है, उसी पे गांव गोहाना है। सर गोहाना में तो 24 घंटे की चार्जेस ले रहे हैं और उमरा में 8 घंटे की चार्जेस। सर इन्होंने 9 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं उपभोक्ताओं से जो चोरी के मामले आए हैं। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कितने पैसे 24 घंटे के हिसाब से चार्ज किए, कितने पैसे 16 घंटे के हिसाब से चार्ज किए, और ना ही जो मैंने क्वेश्चन में L1 सीट मांगी थी ना वो सीटें दी गई सर मेरे को। और जब भी उपभोक्ताओं को ये और जो चोरी के बिल आते हैं सर, उसमें L1 कैलकुलेशन की सीट नहीं दी जाती, सिर्फ एक नोटिस दिया जाता है कि आपका चोरी का केस में इतने पैसे बने हैं। एक तो मेरी ये दरखास्त है, जब भी चोरी का कोई केस पकड़े उसके साथ L1 के साथ कैलकुलेशन सीट भी जाए, कि उसको ये पता चले कि मेरी अर्बन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं या इसके ग्रामीण के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, उपभोक्ता को ये पता नहीं होता। तो मेरे ये क्वेश्चन बताए सर कि कितना कितना पैसा उसमें ग्रामीण में और अर्बन में आपने चार्ज किया है। जी माननीय स्पीकर महोदय, इन्होंने जो पूछा मैं उसकी आपको डिटेल बता रहा हूँ। हमने 8 बार हरियाणा में अलग अलग साइमल्टेनियसली रेड करे। 80% गांव में चोरी होती थी जो अब 20% है, और इसमें अगर सारी डिटेल पूछे तो हमने 209,926 चेक करे जिसमें 33,547 चोरी पकड़ी गई। अब इनकी डिटेल शहर में कितनी थी, अर्बन में कितनी थी, वैसे मैं इनसे एक विश्वास दे रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं 8 घंटे 14 घंटे वाली बात, अगर हमने वैसे ही करते हैं जो आप बता रहे हैं उसी तरीके से फॉलो करते हैं, पर इन केस कहीं भी कोई स्पेसिफिक ऐसा केस हो तो हम एग्जामिन करेंगे, उसका पैसा वापस करेंगे। सर मेरे पास L1 लेके आया हूँ कैलकुलेशन सीट जिसमें इन्होंने ग्रामीणों में 24 घंटे की चार्जेस की हुई है। मैं ये कहता हूँ कि जो अफसरों को सर्कुलर निगम ने दिया हुआ है वो अफसर क्यों उस सर्कुलर के हिसाब से चार्जेस नहीं करते, क्यों उसको बाईपास करके जाते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि उन अफसर के ऊपर क्या तो सरकार कार्रवाई कर रही है जिन्होंने ये गलत कैलकुलेशन किए, और जो ज्यादा पैसे उपभोक्ताओं से लिए सरकार उनके पैसों को कब तक वापस करेगी, मेरे ये सरकार से पूछना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरंत हम एक्शन करते हैं, अगर स्पेसिफिकली कोई ऐसा केस इनके पास हो मुझे दो, हम तुरंत पैसा वापस करेंगे। जिस अफसर ने ऐसा करा उस पर तुरंत एक्शन होगा।